हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल और मैं हूं ब्लैक साउथ। तो आज टूर्नामेंट का लास्ट मैच, फाइनल मैच होने वाला है। जिया जोन सी टीम जीती है टीम डी सीएस चैंपियनशिप 3 पॉइंटों का टूर्नामेंट जीती। तो देखते हैं कौन सी टीम ये टूर्नामेंट जीतने वाली है और कौन सी टीम आज हार के वापिस जाने वाली है। फिलहाल 4-on-4 की फाइट है, दोनों टीमें टक्कर की और फाइनल का मैच है टीम डी सीएस चैंपियनशिप 3 पॉइंटों का। 2 वी के बारे में पूरी ट्राई में एक बंदे को लेगा डी आई, यहाँ पे नॉक है। जी हाँ, इनको पता था कि टी आई लेफ्ट से डेजर्ट लेंगे और उनको पहले टारगेट किया जाएगा। 3v4 की फाइट है, ट्राई कर रहे हैं सिंगल MP40 के साथ, सॉरी सिंगल UMP के साथ। फिलहाल 3v4 की फाइट है, क्या क्लैसी सीधा रस लेते देखेंगे। जो देखने वाली बात, डेजर्ट ईगल इनके हाथ में, 2v के और फार्मास से हेड मारा है भाई साहब, ट्रैक लेवल लगा इनका। फिलहाल क्योंकि MP5 से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, 3v4 की फाइट है। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है जब टीम डी ग्रैंड फिनाले होगा और दोनों ही टीमें एक साथ एक और सामने 2v गेमर के सिर्फ 50 की क्लैसी भी यहाँ पे नॉक हो गए। तो 2v गेमर को क्या आने दिया जाएगा जोन में, जी ये जरूर देखने वाली बात हुई। क्वेश्चन रहने वाला है बहुत बड़ा, क्योंकि हल सिर्फ 15 की और इनके सपोर्ट में कौन आया है CM। जी हाँ, मैं बोलूंगा, मैं निकालूंगा आपके इनके जरूर से बाहर। तो CM ग्लूवा लगाते जा रहे हैं और अपने बंदे को बचा के ले गए। क्या बात है, क्या बात है, मार्शल घर के अंदर होने वाले हैं चूंकि M4A1 चलाते हुए देखेंगे। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर। रॉकर रॉकर पूरी ट्राई में, महेंद्र नीचे की तरफ होने वाले, रॉकर नॉक हो जाएंगे। जी हाँ, रॉकर को नॉक ले लगा M4A1 का शॉट, मार्शल का पड़ा भारी और पहला ही राउंड मेरे ख्याल से 2v गेमर स्क्वाड लीड लेते हुए दिखेगी। जी हाँ, और 2v गेमर नॉक यहाँ पे, मैच फिर से 2v2 पर आ चुका है, मैच बदल रहा है डी आर्यन और महेंद्र। और आप एक और को लेके 1v1 की फाइट होने वाली और एक और को क्या ले जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है। जी अकेले मार्शल और सामने अकेले आर्यन, और आर्यन ले गए ट्रिपल किल और पहला राउंड टीम डी के नाम। मैच है फाइनल का, जोन सी टीम जीती फाइनल का मैच जीती। तो देखते हैं टीम डी या फिर 2v। दूसरा राउंड है जहां क्लॉक टावर का राउंड और 1-0 से लीड में है टीम डी। फिलहाल लीड कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। जी हाँ, इस बार 2v गेमर और उनके साथ साथ कौन होल्ड कर रहा है, दो बंदे होल्ड कर रहे हैं सीडियो पे, मार्शल होने वाले तो दोनों बंदे पीछे होने वाले। तो जो घूम का आएगा उसको घुमाने की पूरी तैयारी में है। महेंद्र आगे की तरफ जा रहे हैं, 2v गेमर की स्ट्रेटजी किस हद तक ये काम आएगी, ये भी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। जी यहाँ पे देख लिया कि इनको है नहीं। फिलहाल देखते हैं यहाँ से पीछे से पूरा ड्रैग शॉट में तैयार होंगे डी आई, पूरा वेट करेंगे कोई तो बंदा आए नीचे पर। कोई बंदा इस बार 2v गेमर की तरफ से नीचे देखे मजर नहीं आया, क्योंकि 2v गेमर ने इस बार पीछे की तरफ होल्ड करा है। पहले मैच की सबको याद है क्या कुछ हुआ था, रोटेशन वगैरह सबको पता थी, पर इस बार कोई रोटेशन नहीं कटी है। दोनों टीमें सीधे सीधे आमने सामने होने वाली है। डी आई राइट से पूरा वेट करें, कोई तो रोटेशन ले, पर इस बार किसी ने रोटेशन नहीं लिया। डी आर एन ऊपर की तरफ आ चुके हैं, मार्शल नीचे, सीएम नीचे, ऊपर भी सीएम होने वाले हैं। तो सीएम भी घर में होने वाले हैं, इनके घर में होने वाले हैं कौन, आर्यन। तो आर्यन सीएम एक साथ ऊपर होने वाले हैं, तो दोनों अपने अपने बंदों को कवर देंगे। भाई बात करें तो क्लैसी घर के नीचे 3v4 नहीं कह सकते, अभी तो 4v4 की फाइट है। 2v गेमर कब तक होल्ड करते दिखेंगे, क्या इनको पता है कि 2v गेमर और मार्शल एक साथ आतंकी मोड में दिखेंगे। और आज पे डैमेज दिया और यहां पे पूरे बेट में थे यहां पे DI हेडशॉट पे खेले पूरे DI। 3v4 की फाइट है, एक और बंदा इनको राइट में दिखाया नहीं, जोर देखने वाली बात की मार्शल दिखे और नॉक। 2v4 की फाइट है, CM नीचे की तरफ है, नॉक अकेले, क्लासी 1v3 में खेलने वाले हैं। क्या अकेले सामने कुछ कर पाएंगे जब टीम डी की स्क्वाड सामने होगी, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि टीम डी की स्क्वाड जिस हिसाब से खेल रहे हैं फाइनल में अलग ही लेवल, ये भी खेल रहे हैं और 2v गेमर भी अलग लेवल खेल रही है। और क्लासी को डैमेज पड़ा है हेल्थ बहुत, तो और अभी स्क्वाड में ले जाएंगे और टीम डी 2-0 से आगे और फाइनल के मैच। कौन सी टीम ये मैच जीती और फाइनल जीती और टीम डी सीएस चैंपियनशिप 3 पॉइंटों अपने नाम करी। तीसरा राउंड है पूछी नॉक का राउंड और 2v ने लिए डबल ओम नहीं सिंगल ओम लिए, सिंगल ओम से प्रहार करते दिखेंगे। क्लैसी UMP से प्रहार करते दिखेंगे और मार्शल MP40 से, CM UMP से। वही बात करें तो टीम डी की स्क्वाड DRN सीधे की तरफ आ रहे हैं, रॉकर यहाँ पे होल्ड करेंगे, हील करेंगे अपने आपको और महेंद्र इनके कवर में होने वाले हैं। DI यहाँ पे बैकअप देते हुए रोटेशन लेते हुए दिखेंगे, तो टीम डी की स्क्वाड फंसाना चाह रही है। DRN आगे की तरफ सीधा रस ले रहे हैं। वही बात करें तो 2v गेमर ही अकेले घर में होने वाले हैं, जो कि 150 को फटके देते हुए दिखेंगे यहाँ पर किसी को देख के। फिलहाल क्या देने वाले, जरूर देखने वाली बात हुई। 3 बंदे राइट में होने वाले हैं, मार्शल CM और क्लैसी पूरे राइट में होल्ड कर रहे हैं। वही बात करें तो आर्यन लेफ्ट से पूरा वेट करें और यहाँ पे ये क्या करने वाला है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। डी आर्यन फिलहाल मैच काफी जोरदार है, 4-on-4 यही यहाँ पे होल्ड करें, क्या 2v गेमर ने यही को देखा है, ट्राई करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे ट्राई करेंगे, 2v गेमर ने बोला होगा मेरी साइड आओ, इधर से घेरो, मैं उधर से 150 दूंगा और आप रस दें। फिलहाल 4-on-4 बंदे अपनी अपनी पोजिशन पर वापस आ रहे हैं। जी हाँ, दोनों टीमों के बंदे अपनी अपनी जगह वापस आ चुके हैं। डी आर्यन ऊपर चढ़ने की फिराक में, भाई क्या ही चढ़ेंगे, जरूर देखने वाली बात होगी। और CM सीधा रस लेंगे, क्या रस इनका कामयाब होगा। जी नहीं, पीछे की तरफ ले लिया रोटेशन, तो बंदे होल्ड कर रहे हैं
वेट कर रहे हैं, कोई किसी का फालतू रस नहीं दे रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होगा, क्योंकि फाइनल का मैच है, दोनों ही टीमों के लिए अहम मैच होने वाला है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीत के फाइनल में एक बड़ा नाम करना चाहेंगी 3.2 के अंदर। तो देखते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है। और आर्यन कहाँ चढ़ने चाह रहे हैं भाई, ये तो अलग ही क्रिएटिविटी होगी। और क्रिएटिविटी के चक्कर में नीचे बॉल हटी और दुर्घटना घटी, 3-4 नॉकर खेल गई है। डी आर्यन यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। अच्छी यहाँ पे बड़ा है हेड और नॉक, यहाँ पे 3-4 की फाइट है। डी रॉकर ट्राई कर रहे हैं और ले जाएंगे एक और बंदे को, सीएम को ले गए फाइट 3-3 की, या 3-3 की सिंगल होम 2B गेमर के हाथ के सिंगल होम। कितनी बारी पड़ेगी जो देखने वाली बात हुई। महेंद्र भी नॉक है और आप एक और बंदा नॉक है, तो अकेले या ही रह गए सामने, तीन बंदे होने वाले। तो क्लासी मार्शल और 2B गेमर और कंप्लीट, और 2-1 से वापसी कर दी है टीम 2B अगेंस्ट में टीम डी इस फाइनल के मुकाबले में। फोर्थ राउंड है, जहाँ फोर्थ राउंड में कितना एडवांटेज लेंगी ये दोनों टीमें एक दूसरे का फिलहाल देखने वाली बात हुई। 2B गेमर डबल होम से यहाँ पे चलाते हुए देखेंगे हमें, क्लासी शॉर्टेज काफी अच्छा खेल रहे हैं। जी हाँ, फाइनल के अंदर जब बड़े नाम आते हैं, जब बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो बड़े सितारे जरूर चमकते हैं। खासकर क्लासी आज अलग ही फॉर्म में दिखे, हर एक मैच में इन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया है। वही बात करें तो टीम 2B गेमर की स्क्वाड काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जिस हिसाब से कमबैक कर रही है। फिलहाल 4-on-4 मार्शल पूरा होल्ड कर रहे हैं, इनको पता है गाड़ी के पीछे जितना ज्यादा रुकेंगे कोई आगे जाएगा उसको धप्पा जरूर दे पाएंगे। डबल होम से परेशान किया जा रहा है और हेडशॉट खोला है। कौन है ये बंदा जिसने खुलते से ही सीधा लाल मारने का ट्राई किया था, कौन होने वाला है? आर्यन सीधा लाल अक्षरों पे खेले, 2B गेमर का हेलमेट गायब करा है, पर हील कर लेंगे अपने आप को, साथ के बेस्ट हेलमेट भी रिपेयर कर लेंगे। फिलहाल क्लासी की हेल्थ लो है, क्लासी को प्रेशर में लिया जाएगा। 10 की हेल्थ यानी कि पीछे बैकअप लेंगे, सामने से बंदा आएगा और यहाँ पे ले जाएंगे इनको। जी मुसीबत में फाइट 3-on-3 की होगी, फिर से DI यहाँ पे नॉक हो गए। तो DI पे नॉक है, CM को देखा है, या CM पे 200 पड़ेंगे। जी नहीं, रिलोड पे गन और CM की UMP यानी कि खतरनाक UMP और ले जाएंगे एक और किल। 2v3 की फाइट, टीम डी की स्क्वाड मुसीबत में। आर्यन और महेंद्र होने वाले हैं 2v3 में, सामने तीन बंदे दिखेंगे। 2B गेमर पूरा होल्ड कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है डबल होम 150 मार दिया इनका काम पूरा। वही बात करें तो CM आगे की तरफ बढ़ेंगे और उनके साथ साथ मार्शल होने वाले। तो देखते हैं 2v3 में कैसी सिचुएशन होने वाली है, कैसे मैच होने वाला है। ऊपर वाले बंदे को ट्राई करके लेने का महेंद्र आए और हेडशॉट पड़ाया और इसी देर में बॉल पीछे लगाई है। तो अकेले आर्यन सामने तीन बंदे होते दिखेंगे और हेल्थ बची है 10 की। सामने से बंदा कूदा, डैमेज दिया, पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। और ये फाइनल का मैच है और दोनों ही टीमें मैच कर चुके हैं बराबर। जो सी टीम जीती ये मैच और टूर्नामेंट अपने नाम जीती। 5वां राउंड है, कटॉल स्टीवा का राउंड, और टीम डी 2-2 पे मैच बराबर कर चुकी है और नेक्स्ट लेवल भी 2-2 पे मैच बराबर कर चुके हैं। मैच काफी जोरदार है, टीम डी की स्क्वाड पूरी मैन इन ब्लैक सेम लाइनअप के साथ, आर्यन रॉकर और यही महेंद्र। और वही बात करें तो 2B गेमर का भी सेम लाइनअप रहा पूरे टूर्नामेंट में, क्लासी 2B और मार्शल और सेम। इन चार बंदों ने चारों बंदों पर इंटरेस्ट दिखाया और फाइनल खेल रही है आज दोनों ही टीमें आपके सामने फिलहाल। तो जो सी टीम इस मैच को जीतेगी इस फाइनल को जीत जाएगी। जी हाँ, टीम डी CS Championship 3.0 का फाइनल मैच जो सी टीम जीती टूर्नामेंट अपने नाम कर लेगी। फिलहाल उम्मीद है कौन सी टीम से ज्यादा है कमेंट करके अभी से बताओ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का लाइक है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा 50,000 रहने वाला है। जी हाँ, 50,000 इस वीडियो का लाइक है होने वाला है, जिसमें दो बड़ी टीमें खेलने वाली है फाइनल के मैच। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। और जैसे ही टूर्नामेंट खत्म ही हो गया है, अब तो कह सकते हैं जैसे ही ये खत्म होगा, और कह सकते हैं हो ही गया, शॉर्ट अब खत्म हो ही गया, और दूसरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में टीम डी आर्मी के, क्योंकि सब्सक्राइब करने का रीजन ये है कि आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर दूसरे टूर्नामेंट आने वाले हैं जल्दी। जी हाँ, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए रेडी रहें दूसरे चैनल को, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आपको ही सबसे पहले स्लॉट लेना है अगले टूर्नामेंट में। फिलहाल 4-on-4 क्या कुछ होता दिखेगा, या आई को 150 मारा है, नॉक हो जाएगा। तो ओम से काफी परेशान टीम डी की स्क्वाड, फिलहाल 3-4 की फाइट है। रॉकर को भी 150 पड़ा है, महेंद्र को भी 150 पड़ा है, या भी गए डेजर्ट ओम से ही। फिलहाल 3-4 क्या कुछ होता दिखेगा, और आप एक और बंदा नॉक, टीम डी की स्क्वाड मुसीबत में जरूर दिख रही है क्योंकि डबल ओम के सामने कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है टीम डी की स्क्वाड को। फिलहाल 2v4 की फाइट है, क्या कुछ होने वाले, क्या डबल ओम रुकेगी इनकी या फिर टीम डी की स्क्वाड कंटिन्यू खाती रहेगी पिटाई। फाइनल मैच है, करो या मरो। जी हाँ, आज नहीं किया तो कभी नहीं किया, तो करना इसी में ही। और ट्रिपल किल क्लासी की, 6 किल के साथ क्लासी और 3-2 से लीड में। छठा राउंड है, केप टाउन का राउंड है, 3-2 से लीड में 2B गेमर की स्क्वाड और 2B डबल ओम का जो बैकअप दे रहे हैं अपनी टीम को, अलग ही लेवल दे रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट लेवल, जैसे इनका गिल्ड का नाम वैसा ही बैकअप दे रहे हैं। क्लासी को जरूर फटका पड़ा और नॉक ले देंगे, यहाँ पे जाते ही एक नॉक निकाल रहे हैं क्लासी। आज अलग ही फॉर्म में दिखे, 2-2 किल निकाल चुके हैं यहाँ पे, 2-2 नॉक, शॉर्ट रेंज दोनों को ले गए। डबल ओम सॉरी सिंगल ओम का जो प्रहार कर रहे हैं और हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा लो, और एक और नॉक यहाँ पे, आप बचा सकते हैं अपने अपने बंदों को। दोनों ही 2-2 बंदे, दोनों की नॉक है, क्या हील मिलेगा? मार्शल भी नॉक है यहाँ पे, सब नॉक है। CM को भी ट्राई किया जा रहा है अपने बंदों को रिवाइव करने के, क्या क्लासी को रिवाइव मिलेगा? क्लैश को कंप्लीट करने आ चुके हैं, 3v4 की फाइट है, मैच में वापसी कर रहे हैं दोनों ही टीमें। 3v4 की 1-on-3 की फाइट होगी और यहाँ पे सारे बंदे नॉक, यही के हेडशॉट, यही की डबल किल और अकेले 2B गेमर। और यहाँ पे टीम डी की स्क्वाड फिर से वापसी कर रही है इस फाइनल के मैच में। जो सी टीम जीती है टूर्नामेंट
टूर्नामेंट जीती, जहां दोनों ही टीमें टक्कर की होने वाली है इस फाइनल के मैच में। तो देखते हैं क्या कुछ होगा इस फाइनल के मुकाबले में। पहली टीम 12,000, दूसरी टीम 8,000, तीसरी टीम जो कि रही टाइटेनियम 4,000, और लास्ट जो एमवीपी रहेगा इस टूर्नामेंट के फाइनल का उसको 1,000 एमवीपी का प्राइज। फिलहाल मैच बराबरी पे 3-3, सातवां राउंड मैच बराबर पे है। जी हाँ, मैच बराबर पर है। टू वी गेम डबल ओम से स्कोप खोल बैठे कि यही आएंगे, पर यही इनसे ज्यादा साथी बिल्कुल भी रोटेशन नहीं लिया। यहाँ पर बात करते सीएम ऊपर की तरफ चढ़ने की फ्राक में थे बंदों को, पर जी नहीं, यहाँ पर अंदर की तरफ आ चुके हैं। फिलहाल रस सीधा लिया है 4-on-4, क्या कुछ होता दिखेगा, जरूर देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कौन सी टीम किस पे कैसा रस लेगी, मार्शल पूरा पे अलग ही होल्ड कर रहे हैं, इनको पता है बिल्कुल भी मौका ना दिया जाए। फिलहाल आर्यन यहाँ पर बंदों को चढ़ने की फ्राक में, महेंद्र ऊपर की तरफ से बैकअप देते हुए दिखेंगे, क्या वन टैप ले पाएंगे। सीएम उधर से ट्राई कर रहे हैं पूरा। फिलहाल मैच 4-on-4 का, मैच जोरदार है। टू वी गेमर की डबल ओम जिस जब से चलने लगी है टीम, टू वी गेमर वापसी कर रही है। जी हाँ, इनकी डबल ओम का जवाब नहीं है किसी के पास भी। जिस हिसाब से इनके पास मूवमेंट है, रफ्तार है, एक्यूरेसी है, गन स्विचिंग है, सब कुछ है इनके पास। खासकर सीएमओ का, खासकर मार्शल हो, खासकर क्लैसी हो, खासकर आर्यन हो, रॉकर हो, महेंद्र हो, यही ये 8 बंदे ऐसे हैं जो कि इंडिया सर्वर की सिर्फ 8 ही बंदों में इनका नाम सुमार है फाइनल के अंदर। जो दो टीमें आई हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आई हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होगा आज। टीम डीसीएस चैंपियनशिप 3 पॉइंट होगा, फाइनल है, जो सी टीम जीती टूर्नामेंट जीती, और मैच काफी जोरदार है। 4-on-4 टू भी पूरा वेट करें, और ये क्या मार दिया से भाई, रैंडम हेड, सीधा हेड, खोल दी खोपड़ी, बंदा नॉक और हेल्थ लो, पर हील करेंगे, पीछे से बंदा जरूर आए। डबल ओम वाले को टारगेट किया जा रहा है लेने का, अगर डबल ओम वाला बंदा गया तो 150 पढ़ने से बचेंगे। टू भी नॉक हो गए इतनी देर में, टू भी नॉक हो गए, रॉकर आते ही कंप्लीट कर देंगे मैच। 3v4 का सामने से बंदा है डीआई, और डीआई को ले जाएंगे, पीछे से आए सीधा धप्पा, होल्ड किया, वेट किया, और बंदे को देखा, कंप्लीट किया मैच 3-on-3 का। रॉकर महेंद्र नीचे की तरफ होने वाले, और सीएम ने अपनी जगह कतई नहीं छोड़ी है, और मैच 2v3 का हो गया। सीएम और मार्शल दोनों की जोड़ी एक साथ होने वाली है, तो दोनों की जोड़ी कितनी धूम मचाएगी जरूर देखने वाली बात होगी। मार्शल और सामने बंदे को देखा है, दोनों बंदे की मिलकर एक को टारगेट दे देंगे, जी नहीं, अकेले सीएम के सामने तीन बंदे होने वाले। टीम डी के ज्यादा देर मेरे ख्याल से टिक पाएंगे। 17 की जोन आ रहा है भसड़ है, और टीम डी वापसी 4-3 से, और आर्यन की ट्रिपल किल, और टीम डी की वापसी, और फाइनल का मैच। ओ, क्या चल रहा है भाई, कौन सी टीम है फाइनल जीतेगी, कौन सी। 8वां राउंड है, 4-3 से लीड में 2v की स्क्वाड अगेंस्ट में टीम डी। फिलहाल देखते हैं क्या पर 2v की स्क्वाड वापसी करेगी। जी हाँ, एक कमबैक में माहिर है 2v की स्क्वाड, हमने बहुत बार देखा है, मैंने काफी बार देखा है, क्योंकि स्क्वाड जब वापसी करती है तो लगातार मल्टीपल राउंड लेने के इनके अंदर काबिल होता है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच राउंड हमने इनको लगातार अपने नाम करते हुए देखा है। तो देखते हैं कौन सी टीम वापसी करेगी इस राउंड के अंदर। डीआरएन ऊपर जरूर चढ़े बैकअप देने के लिए डी महेंद्र को, तो रॉकर देखते हैं किधर होने वाले, रॉकर पीछे की तरफ बैकअप देते हुए देखेंगे। तो आप टीम डी की स्क्वाड पूरी पीछे से रोटेशन ले रहे हैं, या ही सीएम होने वाले हैं लेफ्ट की तरफ, और 3 नंबर मार्शल जो कि पूरा होल्ड कर रहे हैं, तो यही आने वाले, तो यही का वेट किया जा रहा है मार्शल की तरफ से। तो देखते हैं कौन पहले अपना पेसेस लेवल खोएगा, मेरे ख्याल से डीआई खोएंगे। और यहां पे मार्शल के शॉट पड़ेंगे भारी, और है बुड बीकर का हेड बैकअप, क्या ही था ये डीआरएन का, रे रे रे, ऐसा बैकअप कहां से दिया, बाप रे बाप, क्या ही टीम वर्क, एक दूसरे को जो कॉल देके खेल रही है आज दोनों ही टीमें। लास्ट डे है तो दोनों टीमों के लिए परफॉर्मिंग राउंड है, जहां दोनों ही टीमों को परफॉर्म करना है अगर ये टूर्नामेंट जीतना है तो। लास्ट मैच आमने सामने, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, 50,000 रहने वाला है। जो भी चैनल पर न्यू आ रहे हो लाइक से सब्सक्राइब मारते चलो। क्लैसी को जरूर रोक लिया गया यहाँ पर, क्लैसी 6 किल के, क्लैसी नहीं कौन थे, 2v गेमर, जी हाँ 2v गेमर सेम ड्रेस में थे, पर क्लैसी आज अलग ही मूड है। जी हाँ, इनके अंदाज आज अलग दिख रहे हैं, पर 6 किल के साथ खेल रहे हैं, 15 यहाँ पे अकेले सीएम कैसी पारी खेल पाएंगे। पर टीम डी की स्क्वाड 4-3 से लीड में, 5-3 से लीड में मेरे को आती हुई दिखेगी जिस हिसाब से खेल रही है टीम डी। और क्या बात है, सीएम अलग ही फॉर्म में, जब बड़े सारे खेल रहे होते हैं तो फॉर्म तो दिखानी लाजमी हो जाती है 2v और सीएम की खासकर। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, हेल्थ सिर्फ 20 की बची है, और कंप्लीट महेंद्र की डबल किल, और मैच आ रहा है टीम डी के नाम एक और, और 5-3 से लगातार 3 राउंड जीत के टीम डी ने करी है वापसी। क्या कुछ होगा इस ऑब्जर्वेटी के राउंड में, जो की है 10वां राउंड। नौवां राउंड है और ऑब्जर्वेट
नाइन्थ राउंड ऑब्जर्विटी का राउंड और लगातार टीम डी स्क्वाड ने तीन चार राउंड अपनी तरफ खींचे हैं, तो एक एहसास दे दिया है टू बी गेमर स्क्वाड को कि ये भी मैच जीतने के लिए आए। पर टू बी गेमर स्क्वाड सीधा सीधा रस ले रहे हैं चार बंदे, क्योंकि ऊपर से इनको एक बंदा बैकअप दे रहा है या नहीं दे रहा। चार बंदे एक साइड जा रहे हैं और एक बंदे को टारगेट किया, पर वुड पी करके इनको उससे पहले हेडशॉट, और टीम डी के बंदे सर्वाइव जरूर करें। अगर डी आर एन को ले गए तो गेम चेंज कर देंगे। जी नहीं, यहाँ पर डी आर एन नॉक है, मैच 3v3 का, बंदे को रिवाइव कर लिया जाएगा और यहाँ पर फिर से नॉक हो जाएंगे पूरे। डी महेंद्र पूरा ट्राई कर रहे हैं, सामने सीएम होने वाले, हेल्थ इनकी भी लो। टीम डी स्क्वाड अब जरूर मुसीबत में, सीधा रश टू बी गेमर की तरफ से भारी पड़ रहा है टीम डी स्क्वाड पे। क्या यहाँ चारों बंदे एक साथ आए, चारों बंदे एक साथ और टीम डी के बंदे अलग अलग जगह से गए और भारी मुसीबत देखने मच रहा है। अकेले रहकर क्या कुछ करते दिखेंगे, जब सामने तीन बंदे दिखेंगे पर तीनों बंदों की हेल्थ कास्ट कर लो है, पर हील कर लेंगे अपने आपको। जी हाँ, अकेले रहकर और मैच में 5-4 से वापसी करेगी टू बी गेमर। उनको पता है एक और राउंड टीम डी जीती तो मैच पॉइंट पर आ जाएगा, तो मैच पॉइंट नहीं देना, मैच है टीम डी सी एस चैंपियनशिप 3.0 फाइनल का। तो आज सारी साजिशें हैं, जो भी अब तक खेला है सब कुछ आज दिखाना पड़ेगा दोनों टीमों को, और दिखा भी रही हैं जिस हिसाब से खेल रही हैं। अकेले रॉकर सामने तीन बंदे, जो कि बंदे पूरा होल्ड करेंगे, सीएम पूरा रस देंगे पीछे से। जब बात करें तो मार्शल नीचे की तरफ होने वाला है, टू वी गेमर पीछे होने वाले, सीएम पीछे की तरफ आ चुके हैं, तो रॉकर को पूरा चारों ओर से घेरा हुआ है, पर रस कोई नहीं दे रहा है अभी तक। देखने वाली बात होगी रस कितनी देर में होने वाला है, पीछे से डैमेज पड़ा है, 100 किल बची है अब सीएम के पास, मौका कि सीधा जाके कंप्लीट कर दें और डबल किल और वापसी टू वी की स्क्वाड की। 10वां राउंड है सिपयार्ड का राउंड और टू वी की स्क्वाड ने फिर से वापसी के संकेत दिए हैं। जी हाँ, क्या कुछ होने वाला है टीम डी सी एस चैंपियनशिप 3.0 के फाइनल के अंदर। जिस हिसाब से दोनों ही टीमें लय में और फॉर्म में दिख रही हैं, दोनों ही टीमें फाइनल देने के मूड में नहीं है एक दूसरे को। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस गेम के अंदर। आर्यन पीछे की तरफ, महेंद्र पीछे की तरफ, टू वी गेमर की स्क्वाड कैसी रस लेगी। तीन बंदे सीधे की तरफ आगे जरूर आए पर रस पूरा नहीं दिया है, क्लासी आगे की तरफ जरूर कदम बढ़ा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात हुई क्या कुछ होने वाला है, यही डीजेट ईगल से बैकअप देते हुए नजर आएंगे। वही बात करें तो देखते हैं 4-on-4 मैच काफी क्रिटिकल और काफी अहम चल रहा है दोनों ही टीमों के लिए, अहम मैच। जी हाँ, टू वी गेमर ये राउंड जीती तो मैच बराबरी पे आ जाएगा, अगर टीम डी जीती तो 6-5 से लीड पे आ जाएगी टीम डी, तो फिर मुसीबतों में दिखेगी टू वी गेमर। तो फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर, अहम राउंड दोनों ही टीमों के लिए, दोनों ही टीमें इस राउंड को जीतना चाहेंगी और जो उनके पूरे कब्जे में है टू वी गेमर की स्क्वाड, इनको पता है जोन नहीं देना है किसी भी स्क्वाड को। फिलहाल होल्ड कर रही है टू वी की स्क्वाड टीम डी की स्क्वाड को, जोन में आना है आगे की तरफ, या ही कूदें क्या नहीं। जी हाँ, कूदें ये भी। फिलहाल 4-on-4 की फाइट है, दोनों ही टीमें बिल्कुल भी रस नहीं दे रही हैं अब तक, तो फिलहाल रस किसकी तरफ से देखने नजर आएगा जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि टू वी गेमर की स्क्वाड पूरा जोन में कब्जा लिए हुए है। इनको पता है अपना जोन की पोजीशन नहीं देनी है, ये लाइन जो है सीमा रेखा जो पार नहीं करनी है, उनकी रेखा में नहीं जाना है। फिलहाल 4-on-4 क्या कुछ होता दिखेगा, सीएम की हेल्प जरूर लो की गई है, 28 की हेल्प, क्या इनको कोई आएगा डैमेज देने के लिए, या ही आए इनकी हेल्प लो करिए क्या, या ही इनको कंप्लीट करने जाएंगे। जी नहीं, ऊपर बंदे आ गए हैं, तो आप प्रेशर में अब दोनों ही टीमें, क्या कुछ होता दिखेगा, डैमेज पड़ा है आगे पीछे से, भसड़ मचने वाली है बहुत गंदी, चार चार बंदे दोनों तरफ होने वाले, तो टीम अंदर अच्छी पोजीशन में, बंदे को नॉक जरूर लिया क्लासी को, सीएम भी नॉक है, टीम डी स्क्वाड वापसी कर रही है, दो बंदे बस यहाँ पे, टू बी और मार्शल, जोन छोटा होता जाएगा, अब जोन डिसाइड करेगा कौन सी टीम राउंड लेगी। टू बी भी नॉक यहाँ पे, अपनी ग्लू वॉल के संघर्ष में फंस गई टू बी की स्क्वाड और 6-4 से आगे हो गई है टीम डी, और फाइनल के मैच में एक और एक राउंड से दूर है टीम डी की स्क्वाड। अगर टू बी गेमर की स्क्वाड लगातार दो राउंड जीत गई तो क्या कुछ होगा फिर, अगर टीम डी की स्क्वाड ये राउंड जीत गई तो ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लेगी, जो सी टीम जीती टूर्नामेंट अपने नाम करेगी। फिलहाल टीम डी की स्क्वाड 6-4 से लीड में है बात करें तो, और 11 किल के साथ डीआरएन एमवीपी बने हुए और 7 किल के साथ क्लासी एमवीपी बने हुए। देखते हैं क्या कुछ होगा इस 11वें राउंड में। 11वां राउंड है, टू वी ने फिर से ओम उठा लिया। जी हाँ, इनको पता चल चुका है लास्ट राउंड है, डू और डाई राउंड, अगर हारे तो राउंड गया और मैच गया और टूर्नामेंट भी जाएगा साथ के साथ। टॉप टू पोजीशन, जी हाँ, दोनों टीमें आप सबके सामने खेल रही हैं, टॉप टू टीम है इस टूर्नामेंट की आपके सामने खेलती हुई नजर आ रही है टू वी और टीम डी, और मार्शल को बुड पीकर का हेड, यानी कि डी आई ही कह सकते हैं हम सीधा अक्षरों में, डी आई बन टैप हेड के माहिर पूरे के पूरे 3v4 सिचुएशन, राइट से डैमेज, यानी कि हेल्थ लो रस हो गया नहीं इनके ऊपर। फिलहाल अब मैन एडवांटेज टीम डी के हाथों, क्या क्लासी और सीएम मिलके कुछ कर पाएंगे दोनों बंदे, क्या अंदर के बंदों को जड़ उखाड़ पाएंगे इनकी या नहीं। रॉकर टीम डी के बंदे चारों चौपक के खेलने वाले हैं, अब इनको पता है नंबर ऑफ एडवांटेज इनके पास है, तो गवाया नया दिया जाए। फिलहाल टू बी को प्रेशर में लिया गया है, टू बी के हेल्थ 27 की और कंटिन्यू घर में भाग रहे, कंटिन्यू घर के अंदर जा रहे, हेल्थ 30 की है, सामने बंदा होने वाला है और पड़ा है, और मैच 3v3 का आ गया और मैच बदल रहा है। टीम डी की स्क्वाड मुसीबत में दिखेगी, या ही नॉक है 3v3 में, क्या कुछ होने वाला है। तीनों बंदों की हेल्थ 100 से कम पर क्लासी की अच्छी खासी, सारे बंदे हील करेंगे, टीम डी के बंदे क्या रस लेंगे। फिलहाल ये जरूर देखने वाली बात हुई, एक बड़ा क्वेश्चन होने वाला है फिलहाल,
मैच 3v3 का, काफी जोरदार मैच है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, 50,000 रहने वाला है। फाइनल का मैच है 3v3 का, 2v गेमर की स्क्वाड, जिस हिसाब से वापसी करिए एक बंदे को नॉक करके अब लग रहा है कि गेम में उन्होंने वापसी करना स्टार्ट कर दिया। दो दो लॉन्ग रेंज, अब यहाँ पे शॉर्ट रेंज लेने की ढूंढ रहे होंगे। 2v गेमर जी नहीं मिली है इनको फिलहाल, तो बुड पीकर से खेलना चाहते हैं और CM नॉक है पे। CM को 1v1 में कोई बंदा आके लेके गया है। जी हाँ, आर्यन होने वाले, आर्यन की शॉर्ट रेंज अलग ही लेवल, MP40 से 800 देखे आ गए CM को वापस अपनी जगह पे। फिलहाल मैच 2v3 का, क्या आगे की तरफ बढ़ेंगे, जी ये भी नॉक हो जाएंगे। बुड पीकर चल रही है और दो दो बंदे होने वाले सामने, एक और बंदे क्लैसी और ये दो दो बंदों का बैकअप, क्या कुछ हो, क्लैसी को भी 800 और ये फाइनल का मैच। टीम डी लगातार दो सीजन अपने नाम कर चुकी है, बात करें तो टूर्नामेंट के, और टीम डी सीएस चैंपियनशिप 3.2 का भी मैच टीम डी जीत गई 7-4 से, 12 किल के साथ MVP रहे DRN टीम डी की तरफ से, और 8 किल के साथ क्लासी MVP रहे टीम नेक्स्ट लेवल की तरफ से। और ये टूर्नामेंट यहीं पे खत्म होता है, और जो भी टीमें आई और जो भी टीमें यहाँ पे खेली उन सबका दिल से शुक्रिया। और क्या यह टीम ने परफॉर्मेंस दिया, खासकर 2v टाइटेनियम जो इन टीमों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, खासकर टीम डी भी। और ये टूर्नामेंट समाप्त होता है यहीं पर, और दूसरा टूर्नामेंट अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगी दूसरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर ले, क्योंकि उसके अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, कभी भी वो टूर्नामेंट आ सकता है। तो जल्दी से जाएं, स्लॉट अपना बुक करना बिल्कुल ना भूलें टीम डी आर्मी के चैनल पर। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।